नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद और यूट्यूबर गौरव वासन की स्टोरी पर अगर कोई फिल्म बनेगी तो शायद ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाए, क्योंकि इनकी कहानी में इतने ट्विस्ट हैं जो कि बॉलीवुड की किसी फिल्म में भी नहीं होंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब लॉकडाउन के दौरान बाबा का ढाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, उसके बाद से उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ये वीडियो बनाने वाले शख्स का नाम गौरव वासन था, वही जो कि स्वाद ऑफिशियल नाम का अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग बाबा के ढाबा पर पहुंचने लगे और कांता प्रसाद को इसके लिए खूब डोनेशन भी मिला। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद ने अपना एक रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट खोला तो गौरव वासन के लिए उनके जो शब्द थे वो बदल गए। अच्छा, सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना, हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने। इस दौरान कांता प्रसाद गौरव वासन पर कई सारे आरोप भी लगाते हैं, जिसमें पैसे के गबन का भी आरोप था। और फिर से एक ट्विस्ट आता है कहानी में और बाबा के ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद अपने रेस्टोरेंट को बंद करके वापस से पुराने ढाबे पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वहां उतनी कमाई नहीं थी जितना कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई थी, और फिर वो गौरव वासन से इसके लिए माफी मांगते हैं। अब अगर इतने पर चीजें खत्म हो जाती तो शायद ये बॉलीवुड की हैप्पी एंडिंग की तरह होती, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट फिर से आता है और खबर ये आती है कि कांता प्रसाद ने शराब के नशे में नींद की गोलियां खा ली हैं, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं तो वो ये कहते सुने जाते हैं कि लोग उन पर गौरव वासन से माफी मांगने का दबाव बना रहे थे। अब ये मामला वापस से तूल पकड़ रहा है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि कांता प्रसाद पर गौरव वासन से माफी मांगने के लिए दबाव बना रहे थे। और अब तक की कहानी से इतना तो कंफर्म है कि ये पूरा मामला यहीं खत्म होने वाला नहीं है, इसमें फिर से एक नया ट्विस्ट आएगा और फिर से इस पर हेडलाइन बनेगी। हालांकि एक बात और कही जा रही है कि कांता प्रसाद को गौरव वासन ने FIR लिखे जाने के बाद 4.5 लाख रुपए दिए, जो कि डोनेशन के लिए उनके पास आकर के रखे हुए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में आप इस चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल तो सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि गौरव वासन और कांता प्रसाद का मामला यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन लिखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला बटन है उस पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।